नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। अब देखते हैं न्यूज हाइलाइट। दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध है। संपर्क करें न्यूज रियल्टर। के तपाईले सिलगढीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? मनकामना सेवन। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी डिजीविजन एंड प्रोडक्शन। अमित शाह की बैठक में शामिल होने के लिए भाजपा कार्यकर्ता अलीपुर द्वार से आ रहे हैं सिलीगुड़ी। अलीपुर द्वार जिले के भाजपा कार्यकर्ता अमित शाह की बैठक में शामिल होने के लिए भाजपा द्वारा किराए पर लेकर विशेष ट्रेन में सवार हुए हैं। अलीपुर द्वार जिले के कामाख्यागुड़ी स्टेशन से कुमार ग्राम से के भाजपा विधायक मनोज उराव और नेतृत्व में हजारों भाजपा कार्यकर्ता व समर्थक स्पेशल ट्रेन से सिलीगुड़ी के लिए रवाना हुए हैं। ट्रेन टी डुअर्स होते हुए सिलीगुड़ी पहुंचेगी। बताते चले, बैठक के अंत में कार्यकर्ता उसी ट्रेन से अलीपुर द्वार की ओर लौटेंगे। भाजपा द्वारा कार्यकर्ताओं को अमित शाह की बैठक में ले जाने की पूरी व्यवस्था की गई है। उत्तर बंगाल के दो दिवसीय दौरे पर आ रहे गृह मंत्री अमित शाह, राज्य के दो दिवसीय दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह आज सिलीगुड़ी पहुंच रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को उत्तर बंगाल की धरती पर कदम रखेंगे व आज उत्तर बंगाल के दौरे के लिए दोपहर में सबसे पहले बागडोगरा एयरपोर्ट पर उतरेंगे। दौरे के पहले दिन वे दोपहर में बागडोगरा एयरपोर्ट से नौका घाट जाएंगे। बीच में पहले तेनजिंग नोर्गे स्टैचू पर माल्यार्पण करेंगे और इसके बाद ठाकुर पंचानन की मूर्ति पर भी माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे एवं उसके बाद रेलवे इंस्टीट्यूट मैदान में कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और उसी मंच सभा से लोगों को संबोधित भी करेंगे। दार्जिलिंग नगर पालिका के तत्वावधान में वार्ड नंबर 29 स्थित सेंट माइकल स्कूल में बुधवार को वार्षिक शारीरिक सत्यापन कार्यक्रम फिजिकल वेरिफिकेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में वृद्धा भत्ता और विधवा भत्ता विषय का सत्यापन कार्य पूरा किया गया। दीपिका गुरुंग और रंजू गुरुंग के नेतृत्व में यह कार्यक्रम आयोजित की गई। आशा कर्मियों ने भी इस कार्य में पूरा सहयोग किया। वार्ड पार्षद गोपाल परियार ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी। जुए के अड्डे में विवाद के कारण व्यक्ति पर चलाई गई गोली। जुआ के अड्डे में विवाद के दौरान एक व्यक्ति की गोली मार दी गई। यह घटना गुरुवार की सुबह मालदा जिले के महेशमती मदरसा जंक्शन पर घटना घटित हुई है। घायल का फिलहाल गंभीर हालत में मालदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस घटना से पूरे इलाके में अशांति फैल चुका है। वहीं सूत्रों के अनुसार बुधवार की देर रात में मालदा जिले के महेशपति मदरसा जंक्शन पर ईद के मौके में इलाके के कुछ युवक जुआ खेलने के लिए जमा हुए। इलाके के कुछ लोग वहां जुआ खेल रहे थे। इसी बीच गुरुवार की सुबह जुआ के अड्डे पर झगड़ा शुरू हो गया। इस दौरान दो लोगों की मारपीट हो गई। उसमें से एक ने असरग शेख पर बंदूक से हमला कर दिया। घायल का इलाज चल रहा है और इसके साथ ही उसके पीठ के निचले हिस्से में गोली लगी है। पुलिस घटना की जाँच कर रही है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला दो दिवसीय पर्यटक दौरे पर दार्जिलिंग पहुंचे थे। बुधवार को पहाड़ी शहर दार्जिलिंग में फारूक अब्दुल्ला को एक विशेष पहाड़ी यात्रा पर देखा गया। सफर के पहले दिन पूर्व मुख्यमंत्री ने दार्जिलिंग जिले के चौक बाजार में घूमते हुए दार्जिलिंग के विभिन्न दुकानों का दौरा किया और कुछ खरीदारी भी की। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के न्यू जलपाईगुड़ी पुलिस स्टेशन ने न्यू जलपाईगुड़ी थाना क्षेत्र के ठाकुर नगर क्षेत्र से फिर से भूमि घोटाले में शामिल होने के आरोप में गौरांगर राय और हर कुमार राय नामक दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर यह कार्य किया जा रहा है। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने मुख्यमंत्री के आदेश पर भूमि घोटाले में लिप्त लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है। न्यू जलपाईगुड़ी के थाने की पुलिस ने आरोपियों को बुधवार को जलपाईगुड़ी कोर्ट में भेज दिया। वहीं सिलीगुड़ी के भक्ति नगर थाना क्षेत्र के अपर भानुनगर से भी एक व्यक्ति को, शंकर सूत्रधार नामक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। कुल मिलाकर के 52 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है। ऑल बंगाल सेव एजुकेशन कमेटी ने स्कूलों को तत्काल खोलने की मांग में निकाला जुलूस। ऑल बंगाल सेव एजुकेशन कमेटी ने स्कूलों को तत्काल फिर से खोलने और कुचबिहार के माथाभंगा महकमा शासक को ज्ञापन देने की मांग को लेकर माथाभंगा इलाके में जुलूस निकाला। गौरतलब है कि दक्षिण बंगाल में भीषण गर्मी में अब आम लोग एवं छात्र छात्राएं असमंजस में है तो राज्य सरकार ने स्कूलों में गर्मी की छुट्टी की घोषणा कर दी है। लेकिन दक्षिण बंगाल में भले ही गर्म हो परंतु उत्तर बंगाल में दिशा पूरे तरीके से विपरीत है। माथाभंगा हाई स्कूल के शिक्षक एवं सदस्य तन्मय चक्रवर्ती ने कहा, 2 साल के लंबे लॉकडाउन के बाद स्कूल फिर से खुला, फिर आज फिर राज्य सरकार की ओर से गर्मी 16 दिनों के बजाय 45 दिन की छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। जमीन विवाद को लेकर एक वृद्धा के ऊपर ईंट मारकर सिर फोड़ने का मामला सामने आया है। घटना मंगलवार की रात
मालदा के बैसनो नगर थाने के मुंशी टोला इलाके की है। घायल महिला का फिलहाल मालदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज चल रहा है। सूत्रों के अनुसार घायल का नाम झोमो मंडल है। घायल वृद्धा के बेटे ने आरोप लगाया है कि पड़ोसी रिंकू मंडल जबरदस्ती उनकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। घटना का विरोध करने पर रिंकू मंडल उनकी मां के माथे पर ईंट से और डंडे से हमला कर दिया। रिंकू मंडल की मां ने झोमो मंडल के सिर पर वार किया और सिर हिलाने की कोशिश की। इस घटना को देख स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया और इसके बाद मालदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस घटना की जांच कर रही है। ईद की छुट्टी के दौरान बड़ी झील में नौका में सफर करने के दौरान नाव डूबने से दो पैरामेडिकल छात्रों की मौत हो गई है और दो घायल हो गए हैं। घटना मंगलवार को इंग्लिश बाजार थाने की जादोपुर दो ग्राम पंचायत के कृष्णापुर बादलपुर की है। मृतकों की पहचान 19 वर्षीय सलीमुजमा और 19 वर्षीय रिजवान शेख के रूप में हुई है। मृतक और घायल कालियाचौक के सुजापुर मौलवी पारा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। घायलों को मालदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराकर इलाज चल रहा है। सूत्रों के अनुसार ईद पर घर लौटने के बाद चार दोस्त पिकनिक मनाने कृष्णापुर आए थे। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर घटना की जांच शुरू कर दी है। सिलीगुड़ी के साउथ कॉलोनी इलाके में दिन के समय एक महिला के घर में घुसकर उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करने के आरोप व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। घटना सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के न्यू जलपाईगुड़ी थाना अंतर्गत साउथ कॉलोनी इलाके में बुधवार की सुबह घटित हुई है। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। स्थानीय लोगों ने आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। आज के न्यूज हाइलाइट्स में इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए, बने रहिए एसके लाइव के साथ। धन्यवाद। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस और बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है AICTE, KNC, INC, PCI द्वारा अनुमोदित भारत सरकार और राज्य संकाय बेंगलोर विश्वविद्यालय के तहत PCI नई दिल्ली ISO 9001:2008 से प्रमाणित अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569। चंपा सारी सिलीगुड़ी। इनसाइड स्टोरी लोकेटेड एट प्लैनेट मॉल बेसमेंट। वी हैव ऑल प्रोडक्ट्स ऑफ ट्रैम, पैडेड ब्रा, नॉन पैडेड ब्रा, स्पोर्ट्स वेयर। अमांते हैज लॉट ऑफ इनर वेयर एंड लॉन्जरीज, ऑल प्रोडक्ट ऑफ इनामोर अवेलेबल विद डिस्काउंट। We have special discount on Jockey. We have ready stock of Jivami online product at online prices. Bathrobe, PJ set, room nightie, bedroom nightsuit, swimsuits, bralette, straps, swimming goggles, fashion tip, accessories. Inside story located at Planet Mall basement. महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हैवल्स गोल्ड मेडल, RR कैबेल्स, क्रेबिट्री, लेग्रेंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी, 9932018834। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50-70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी।